अस्सलाम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नकवर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारक तिब्रानी। खबरों के आगाज से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हैदराबाद दक्कन के हिंदुस्तान में लाख के 75 साल मुकम्मिल, निजामबाद बोधन बांसवाड़ा और भैंसा में तिरंगा रैलियाँ। रियासत हुकूमत ने 3 रोजा जश्न का ऐलान किया था, यह ना इसी जिमन का हिस्सा है। होटल में मौजूद अपने नामों को आधार कार्ड से मुंसलिक कर ले। सदर जिला जमीत उलमा हाफिज मोहम्मद लईन खान की दर्दमंदाना अपील। उन्होंने कहा कि मुनाफिरत और साजिशों के इस दौर में वोट हमारा अहम हथियार है। मुझे ईडी का ताल कोई नोटिस हासिल नहीं हुआ है। मीडिया का प्रोपेगंडा झूठा और बुनियाद है, एमएलसी के कविता की ट्वीट के जरिए वजाहत। उन्होंने बताया कि दिल्ली शराब मामले में नोटिस का मीडिया झूठा प्रोपेगंडा कर रहा है। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने बीमार रसूल भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और सेक्रेटरियट की नौ तामीरशुदा इमारतों को इनके नाम से मौसूम कर दिया। बीजेपी मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट को इनके नाम से मौसूम करे, एमएलसी के कविता का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान की आजादी के एक साल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की काविशों से हैदराबाद दक्कन का हिंदुस्तान में इलाक हुआ था। इसको अब 75 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, लिहाजा रियासती हुकूमत ने 3 रोजा जश्न का फैसला लिया है। निजामबाद शहर में जबरदस्त तिरंगा रैली के बाद जलसे आलम से एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता और जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का खिताब। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेजों के जाबिराना तसल्लुत से आजाद हुआ। अभी गुज़िश्ता माह अगस्त में ही पूरी हिंदुस्तानी आवाम ने 15 रोजा जश्न आज़ादी का एहतमाम किया था, लेकिन जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी उस वक्त हैदराबाद दक्कन पर नवाब मीर उस्मान अली खान की हुकूमत थी और हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन एक साल बाद हिंदुस्तानी हुकूमत के दबाव के बाद हुजूर निज़ाम ने खुद सुपुर्दगी का फैसला लिया और फिर 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन, जिसमें तेलंगाना के अलावा कर्नाटका और महाराष्ट्र के अजला भी शामिल थे, हिंदुस्तान में शामिल कर लिए गए और इस दिन को हर साल यौम इंजमाम यौम इलाक के तौर पर याद किया जाता है और जश्न मनाया जाता है। और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि अब इस साल हैदराबाद दक्कन के हिंदुस्तान से इलाक के 75 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और 75 साल डायमंड जुबली यौम इलाक के मौके पर रियासती टीआरएस हुकूमत ने 3 रोजा जश्न का ऐलान किया और 16, 17 और 18 सितंबर को रियासत भर में जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। इसी जश्न के सिलसिले में आज निजामबाद शहर में एक अजीमुशान रैली एमएलए निजामबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की क्यादत में निकाली गई। जिला कलेक्टर ऑफिस से शुरू होने वाली रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई शरदानंदगंज पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इस तिरंगा रैली में शरीक होने वाले तमाम शुरका से खिताब किया और कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की क्यादत में आज हम जोश खरोश से हैदराबाद दक्कन के यौम इलाक का जश्न मना रहे हैं। इसके एक बड़े हिस्से पर आज तेलंगाना रियासत कायम है और उसके वज़ीर-ए-आला की हैसियत से केसीआर तेलंगाना की आवाम के लिए ठोस और मजबूत इस्कीमात को रूबा अमल ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आला केसीआर की क्यादत में निजामबाद शहर भी तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामज़न है। अब तक यहाँ पर करोड़ों रुपए लागत की तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। रोजगार के ज़रायों को फरोग देने के लिए ITF का भी यहाँ पर काम अमल में लाया जा रहा है। हाल ही में रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर निजामबाद के दौरे पर आए थे और उन्होंने निजामबाद की तेज रफ्तार तरक्की को मजीद बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के खसूसी फंड का ऐलान किया है। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि यहाँ पर बेशुमार स्कीमात को कामयाबी से हमकिनार करते हुए आवाम को मुस्तफीद करवाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम स्कीमात पर मौसर अमल आवरी हो रही है। तेलंगाना को मजीद तरक्की से हमकिनार करने और तमाम तबकात को यकसा हुकूक इंसाफ फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर के हाथों को मजबूत करना इंतहाई लाजमी है। इस प्रोग्राम में एमएलए के हमरा जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, मेयर बलिया नीतू किरण, मुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, महिला कमीशन रुकन सुदम लक्ष्मी के अलावा कारपोरेटर्स और दीगर TRS कायदी शरीक थे।
यौम इंजाम का 75 साल आज जश्न। बांसवाड़ा में शानदार तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। स्पीकर संभली पोचाराम सिन्हा रेड्डी ने रैली की क्यादत की और एक जबरदस्त जलसे आम से खिताब करते हुए हैदराबाद दक्कन की तारीख से आवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि अब तेलंगाना की तरक्की के लिए वज्रला केसीआर के हाथों को मजबूत बनाना लाजमी है। रियासती हुकूमत की जानिब से यौम इंजमाम हैदराबाद दक्कन के सिलसिले में 3 रोजा जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज बांसवाड़ा शहर में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम सिन्हा रेड्डी की क्यादत में एक शानदार तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली तलबा के अलावा तमामी महकुमजात के अहदेदारान और मुलाजमीन के अलावा आवाम और टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। ये रैली जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर पहुंचकर अजीमशान जलसे आम में तब्दील हो गई। इस जलसे से खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली पोचाराम सिन्हा रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान पर 200 साल हुकूमत करने वाले अंग्रेजों से हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की थी। इस तरह 1947 में ही हिंदुस्तान अंग्रेजी शिकंजे से आज़ाद हो गया था, लेकिन चूंकि हैदराबाद दक्कन पर अंग्रेज हुकूमत नहीं थी, लिहाजा हैदराबाद दक्कन का मामला जेर इल्तवा रहा। इस मौके पर उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम से गफ्तगू की और हिंदुस्तान में शामिल हो जाने का मशवरा दिया, जिस पर बाज दक्कन के हलकों ने एतराज किया और मजाहमत की कोशिश की, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्शन फोर्स भेजी। यह फोर्स 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद पहुंची और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया और फिर हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया। लिहाजा टेरस हुकूमत ने इस हैदराबाद दक्कन के इलाके के दिन 75 साल की तकमील पर 3 रोजा जश्न का ऐलान किया, जिसमें तेलंगाना का बच्चा बच्चा जोश और मसरत से हिस्सा ले रहा है। उन्होंने कहा कि हमको इस मौके पर इस बात का आयत करना होगा कि इस तेलंगाना को तेज रफ्तार तरक्की से हमकिनार करने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा को हमवार करें और मिलजुल कर रियासत की तरक्की के लिए काम करें। मनक भारत देशम 200 సంవత్సరాల బ్రిటిష్ పరిపాలన నుంచి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు 15 ఆగస్టు 1947 15th August 1947 ఆ సందర్భంలో భారతదేశంలో ఒక 584 సంస్థానాలు ఉండే, అంటే 584 ప్రదేశాలలో బ్రిటిష్ పరిపాలన లేకుండే వేరే రాజులు పరిపాలించేవారు. ఆ 584 సంస్థానాలు 15 ఆగస్టు 1947 లో భారతదేశ స్వాతంత్రం కలవలే. అది తర్వాత మన తెలంగాణ గడ్డ, ఇప్పుడు మనం నివసిస్తున్నటువంటి గడ్డ కూడా బ్రిటిష్ పరిపాలన లేనప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి పరిపాలనలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటి హోంశాఖ మంత్రులు హైదరాబాద్ వచ్చి నిజాం ప్రభుత్వాన్ని కలిసి మీరు కూడా స్వాతంత్రం కలవండి, ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారని చెప్పి భారతదేశ స్వాతంత్రంలో మన గడ్డను కలిపినటువంటి రోజు 17 సెప్టెంబర్. హిందుస్థాన్ ఏ పురమన్ ఓ సెక్యులర్ అత్తార్ కా హామీ ముల్క్ హై, ఇస్మే మునాఫరత్ కీ కోయి గుంజాయిష్ నహీ హై। इसी ख्याल के तहत रियासती वजीर आला केसीआर तेलंगाना में काम कर रहे हैं और ऐसा तेलंगाना हमारे तरक्की की सिम गामजन है। बोधन में जबरदस्त तिरंगा रैली के बाद एक अजीमशान जलसेआम से एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेजों के जाबिराना तसल्लुत से आजाद हुआ था। अभी गुज़श्ता माह अगस्त में ही पूरी हिंदुस्तानी आवाम ने 15 रोजा जश्न आजादी मनाया था, लेकिन जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी तो उस वक्त हैदराबाद दक्कन पर नवाब मीर उस्मान अली खान की हुकूमत थी और हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन एक साल बाद हिंदुस्तानी हुकूमत के दबाव के बाद हुजूर निज़ाम ने खुद सुपुर्दगी का फैसला लिया और फिर 17 अगस्त 1948 को हैदराबाद दक्कन, जिसमें तेलंगाना के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के अजला भी शामिल थे, हिंदुस्तान में शामिल कर लिए गए और इस दिन को हर साल यौम इंजमाम या यौम इलाक के नाम से याद किया जाता है और जश्न मनाया जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अब इस हैदराबाद दक्कन के हिंदुस्तान से इलाके 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 75 साल डायमंड जुबली यौम इलाक के मौके पर रियासती टीआरएस हुकूमत ने 3 रोजा जश्न का ऐलान किया है
और 16, 17 और 18 सितंबर को रियासत भर में जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। इसी जश्न की कड़ी के तौर पर आज बोधन में शकरनगर चौराहे से एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की क्यादत में एक शानदार व तारीखी रैली का एहतमाम किया गया। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने शकरनगर चौराहे पर बाबू जगजीव राम, जो कि मुल्क के साबिक नायब वजीर आजम थे और पसमानदा तबकात के कदावर रहनुमा थे, इनके मुजस्मे की गुलपोशी की और रैली का आगाज किया। अजीमुशान रैली बस स्टैंड से होती हुई अम्बेडकर चौराहा और फिर वहां से जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर पहुंचकर जल्द से आम में तब्दील हो गई। अम्बेडकर चौराहे पर भी एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर बाबा दस्तूर के मुजस्मे की गुलपोशी करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की। बादीजान जूनियर कॉलेज ग्राउंड में एक अजीमुशान जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि इस मुल्क में जमहूरी और सेकुलर हुकूमत को यकीनी बनाने के लिए एक ठोस व मजबूत दस्तूर को लागू किया गया, लेकिन बाद मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासिर इस दस्तूर की मुखालिफत करते हैं और मुनाफिरत के माहौल को परवान चढ़ाने की साजिशें करते हैं, जिससे लोग तो मरते हैं लेकिन मुल्क और कौम को कोई फायदा हासिल नहीं होता। लिहाजा लाजमी है कि मुल्क की सलामती व तरक्की के लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक की फिजा को बरकरार रखा जाए और हिंदू मुस्लिम व दिगर तबकात की एकजहती को मजीद परवान चढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर इसी ख्याल के हामी हैं और तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए यकसां इकसीमात को रूबा अमल ला रहे हैं। रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है, जिससे मुखालिफीन की नींदें हराम हो चुकी हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि तेलंगाना को मजीद तरक्की से हम किनार करने और तमाम तबकात को यकसां हुकूक व इंसाफ फराहम करने के लिए वजीर आला केसीआर के हाथों को मजबूत करना लाजमी है। इस प्रोग्राम में आरडीओ बोधन राजेश्वर, एसीपी किरण कुमार, चेयरपर्सन बल्दिया तुम पद्मावती, जेपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, सीनियर रियासती कायद अब्दुल रजाक, सिटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, डीसीसीबी डायरेक्टर गिरदावर गंगारेड्डी, सीआई प्रेम कुमार के अलावा दिगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రం గతంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మనకు 1947 15 ఆగస్టు నాడు ఇండిపెండెన్స్ వస్తే మళ్ళా ఇంకొక సంవత్సరం తర్వాత మన ఒక ఏదైతే రాజు పాలన ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్ళా యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉండే దాన్ని మళ్ళా ఇమీడియట్ గా ఈ స్టేట్ ని మళ్ళా భారతదేశంలో కలపడం జరిగింది. అయితే అదే సందర్భంగా ఈరోజు జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 రోజులు 16, 17, 18 పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం. దీని ఉద్దేశం ఏంటనేది మీకు తెలియాలి. యాక్చువల్లీ ఈరోజు మనం చూసుకుంటే భారతదేశంలో ఎక్కడ చూసినా మత కలాలు మత చిచ్చులు పెట్టి ఎన్నో ప్రాణాలు పోతా ఉన్నాయి. ఈరోజు మనం అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలా, మళ్ళా మల్లెపూల తెలంగాణ శశ్యశ్యామలమైన తెలంగాణ కావాలంటే అందరు కలిసిమెలిసి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళా ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నారు. एमएलएक के 75 साल की तकमील के मौके पर रियासतगीर सतह पर 3 रोजा जश्न। महिषा में एमएलए जी रेड्डी की क्यादत में जबरदस्त तिरंगा रैली। उन्होंने जलसेआम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की हमारे तरक्की के लिए वजीर आला केसीआर शबरोज जद्दोजहद कर रहे हैं। इस तरक्की को तेज रफ्तार बनाने आवाम का मुकम्मल ताउन लाजमी है। यौम इंजमाम के 3 रोजा जश्न के मौके पर आज मुदल तालुका में एक तिरंगा रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमजात के अहदेदारान व मुलाजमीन भी शरीक थे। एमएलए मुदल जी विठल रेड्डी ने इस रैली की क्यादत की। इसके अहम शुरका में मुदल तालुका सरपंच अफरोज खान, भैंसा टीआरएस सीनियर कायद विलास, भैंसा टीआरएस टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, टोटा रामू जनरल सेक्रेटरी, मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा के अलावा भैंसा एडिशनल एसपी किरण खेर, निर्मल एडिशनल कलेक्टर राम बाबू, निर्मल जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सी एच धनराज, डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर इद्रिस गौरी, भैंसा आरडीओ लोकेश्वर राव, भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर एम ए अलीम, भैंसा एमईओ सुभाष के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने इस रैली में शिरकत की। इस रैली का आगाज गवर्नमेंट जिला परिषद हाई स्कूल से किया गया।
रैली के दौरान रुकने संभली मुदल जी विठल रेड्डी और पार्टी के दीर्घायदीन ने रक्स करते हुए अपनी मजरत का इजहार किया। ये रैली भाईसार मुदल के मुख्तलिफ मोहल्लाजात जिनमें पंजाशाह गली, मार्केट गली, गांधी चौक, महालक्ष्मी के अलावा दिखर मुकामात से होती हुई दोबारा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ग्राउंड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां रुकने संभली मुदल जी विठल रेड्डी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के एक साल के बाद हैदराबाद दक्कन का हिंदुस्तान में इलाक हुआ। आज इसको 75 साल मुकम्मिल हो रहे हैं, जिसके लिए रियासत हुकूमत ने 3 रोजा जश्न का ऐलान किया है और इस जश्न में तमाम तबकात के लोग एक साथ हिस्सा लेते हुए अपने जज्बात व एहसास का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाजमी है कि मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा को परवान चढ़ाया जाए और हिंदू मुस्लिम और दीगर तबकात की यकजहती को मजीद परवान चढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR इसी ख्याल के हामी हैं और तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए यकसां इक़दामात को रूबा अमल ला रहे हैं। रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है, जिससे मुखालिफीन बोगलाहट का शिकार बन चुके हैं। जी विठल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को मजीद तरक्की से हमकिनार करने और तमाम तबकात को यकसा हुकूक और इंसाफ फराहम करने के लिए वज़ीर आला KCR के हाथों को मजबूत करना जरूरी है। అదే జాట అదే పాట అంత ఫ్యాన్ ఉన్నంత రాజధాని చిన్నగా దిల్ దువా హే శాం దీ దే ఈ పాట మరి ఈ పాట పాడుతుంటే పిల్లలు పెద్దలు అందరు కూడా ఒక విధమైన ఉద్దేశం భారతదేశం మీద మన తెలంగాణ మీద ఎంతో ప్రేమ ఉద్దేశం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పరు తప్పదు. మరి ఈరోజు ఏదైతే గత నెల 9వ తారీఖు 9వ తారీఖు వరకు మన భారతదేశ హత్యరక్షణ ఎలా అయితే జరుపుకున్నామో సిల్వర్ జూబ్లీ అంటే 75 ఇయర్స్. नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से नजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100ml, 200ml और 500ml की बोतलों में दस्तियाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वोटर लिस्ट में मौजूद नामों को आधार कार्ड से मुंसलिक करना लाजमी है। तमाम मुसलमान वक्त और हालात की नजाकत का एहसास करें। हम एक नाजुक और पुराशुभ दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा अपने वोट की अहमियत को जाने और उसका तहफ्फुज़ करें। हाफिज मोहम्मद दई खान, सदर जिला जमीदुरमा, निजामबाद की आमतुल मुस्लिमीन से दर्दमंदाना अपील। हाफिज मोहम्मद अली खान, सदर जिला जमीतुलमा हिंद निजामबाद ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करवाने के अहकामात की इजराई पर तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील की है कि वो फिलफौर अपना और अपने तमाम अफराद खानदान का आधार कार्ड वोटर कार्ड से मुंसलिक करवा लें। उन्होंने कहा कि कई दौर से मुसलमान वोट की अहमियत को नजरअंदाज करने और वोटर फहरिस्त में से नामों के इंदराज में गफलत की वजह से आज मुल्क में फिरका परस्त हुकूमत काबिज आ चुकी है। फिरका परस्त ताकत है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुनज्जम साजिश कर रही है, जिन इस्लाम के खिले अरबी मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर इन इंतखाबात से कबल हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने अगर आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो फिर वोटर फहरिस्त से इनके नाम बर्खास्त कर दिए जाएंगे और हम जमहूरी हक वोट से इस्तेफादा से महरूम हो जाएंगे। हाफिज मोहम्मद अली खान ने तमामी आयमा मसाजिद से पुरखलूस अपील की के वो नमाजों के मौके पर मुसलियान को अपना और अपने तमाम अफराद खानदान का आधार कार्ड वोटर कार्ड से मुंसलिक करवाने की तरफ तवज्जो मरकूज करवाते रहे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक ऐप
वोटर हेल्पलाइन मोबाइल फोन में डाउनलोड किया जा सकता है, जिस पर आप अपने मोबाइल के जरिए आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से मुंसलिक कर सकते हैं, या फिर करीब में मौजूद किसी भी सेंटर पर जाकर आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से मुंसलिक किया जा सकता है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ फिरका परस्ती और मुस्लिम अखिलत को निशाना बनाने के एजेंडे तक महदूद होकर रह गई है। अरबी मदारिस को ढा दिया जा रहा है, नमाज पढ़ने वाली जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, अवामी मुकामात पर नमाज पढ़ने पर इम्तना आयद किया जा रहा है, मस्जिद के लाउड स्पीकर्स पर इम्तना की साजिश की जा रही है। अगर ऐसे हालात को नजरअंदाज किया गया और बेफिक्री की जिंदगी गुजार गई तो फिर हमारा मुस्तकबिल तबाह व ताराज होगा और आइंदा नस्लों को भी इसके नतायज भुगतने पड़ेंगे और दीन इस्लाम पर अमल करना इंतहाई मुहाल कर दिया जाएगा। लिहाजा तमाम उम्मत मुस्लिमा गफलत से बेदार होते हुए आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से मुंसलिक करवाने पर तवज्जो मरकूज करवाएं और ऐसे वोटर्स जिनके नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिए गए हों वो अपने नामों को वोटर लिस्ट में इंदराज करवाने की मसाई जरूर करें। वाज रहे के हर बालिग शहरी का वोटर लिस्ट में नाम शामिल होना इंतहाई लाजमी है। वोटर आईडी इलेक्शन कार्ड को आधार से लिंक करने का काम शुरू हो चुका है और पूरे मुल्क में जारी है और निजामाबाद में भी वो काम कलेक्ट्रेट की जानिब से उनकी जानिब से जो बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स जो डोर टू डोर जाकर काम कर रहे हैं वो भी काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन उस काम में हमारी क्या कहेंगे बहुत ज्यादा गफलत का मुजाहरा हो रहा है। जो बीएलओ खवातीन घरों को जा रहे हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है, उसमें नामों का इंदराज नहीं किया जा रहा। इसलिए हम अपील करते हैं कि सब लोग जिनके घरों को भी आशा वर्कर्स और जो बीएलओ आएंगे अपने नामों का इंदराज कराएं, वोटर लिस्ट को में नामों का इंदराज कराएं और आधार से लिंक कराएं। वजीरा केसिया ने नौतामीन शुदा सेक्रेटेट कॉम्प्लेक्स को बाबा रसूल भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम कर दिया। मेमार रसूल को एक शानदार व तारीफ साथ खराज अकीदत पेश करने का सहरा वजीरा केसिया के सर जाता है। मरकज उम्मत भी जरूरतमंदी का मुजाहरा करे और पार्लियामेंट की नई इमारतों को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम करे। टीआरएस गुण कानून सास काउंसिल कलवा कुटला कविता ने तेलंगाना सेक्रेटरीट को मेमारे दसूर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से मानून करने पर मसरत का इजहार किया और उसे एक तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सीएम केसीआर ने एक बार फिर फखर के साथ दस्तूर तहरीर करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तहत अपने एहतराम के जज्बात का दिली इजहार किया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट की इमारत को भी भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखकर अपनी खुलूसनीयती का सबूत पेश करे। उन्होंने मजीद कहा कि अंबेडकर ने आईने हिंद में आर्टिकल 3 की शमूलियत के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के नाम पर इंतजामी कॉम्प्लेक्स सेक्रेटरीट का नाम रखने पर तेलंगाना को फखर हासिल है जो तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन है। टीआरएस एमएलसी ने वाजे किया कि वज्रियाला केसीआर का यह फैसला हिंदुस्तान के लिए इंतहाई मिसाली है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत जो अंबेडकर के जज्बे के तहत तमाम तबकात की तरक्की के लिए यकसा काम कर रही है एक और तारीखी फैसला लिया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि बीजेपी की क्यादत वाली मरकजी हुकूमत को भी वज्रियाला केसीआर की तरह दिल्ली में नौतामीर शुदा पार्लियामेंट की इमारत का नाम अम्बेडकर के नाम से मौसूम करना चाहिए और तेलंगाना असेंबली की जानिब से भेजी गई करारदाद को भी कबूल करना चाहिए। टीआरएस एमएलसी के कविता ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की इमारत का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने से आलमी सतह पर हिंदुस्तान के विकार में बड़ा इजाफा होगा। चुनाचे बीजेपी को चैलेंज दिया गया है कि वो पार्लियामेंट की इमारत का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम करके आईन के तहत अपने अखलास का सबूत पेश करे। कलवा कुंडला कविता ने मशवरा दिया कि तेलंगाना बीजेपी कायदीन को भी इसमें मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाना चाहिए। मुझे कहा ईडी की जानिब से कोई नोटिस नहीं मिला। एमएलसी के कविता की ट्वीट के जरिए वजाहत। उन्होंने मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि इस तरह तेलंगाना कायदीन को बदनाम करने और आवाम को गुमराह करने की साजिश की जा रही है जो कि अफसोसनाक बात है।
रुगुन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कलवा कुंडला कमिता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दिल्ली शराब इस काम के मामले में नोटिस जारी किए जाने की झूठी खबरों को सब मीडिया चैनल की जानिब से नशर किया जा रहा है, जिस पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कलवा कुंडला कविता ने सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि फासिस्ट ताकतों की बदनीयती पर मुबनी प्रोपेगेंडे का मकसद तेलंगाना कायदीन की किरदार कशी करना और आवाम की फलाह बहबूद से उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करना है। उन्होंने ट्विटर पर अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि इख्तदार के भूखे बीजेपी कायदीन सादा लोग आवाम के जहनों में तेलंगाना कायदीन के खिलाफ जहर भरने का अमल मुसलसिल कर रहे हैं। ताम उन्होंने कहा कि आवाम समझदार है और मरकजी कायदीन की हर शातिराना चाल पर गहरी नजर रखती है। उन्होंने कहा कि मीडिया जिसको हकायक को आश्कार करने वाला शोभा माना जाता है, मरकजी कायदीन की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा चला रहा है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया के इदारों से अपील की कि वो अपना वक्त सच दिखाने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि उन पर सच दिखाने की जिम्मेदारी आयद है। उन्होंने बताया कि टीवी नाजरीन का कुछ कीमती वक्त बचाने के लिए मैं वाजह करना चाहती हूं कि मुझे कोई ईडी का नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। वाजह है कि आज सुबह से ही चंद टीवी चैनलों पर यह बताया जा रहा है कि दहरी शराब मामले में ईडी ने दफ्तर वजीराला तेलंगाना और रुकन कानून साज काउंसिल को नोटिस रवाना की है। एमएलसी कविता ने वाजह तौर पर बता दिया कि उन्हें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। अजय कुमार मुलानी नामी शख्स को मुख्तलिफ अपराध की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। इस पर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज है, जिसमें हरासानी, ब्लैकमेलिंग, बदकलामी जैसी शिकायत भी शामिल है। इसी बी निजामबाद ए वेंकटेश्वरू ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। मुतअद्दिद शिकायतों के बाद पुलिस ने अजय कुमार मिधानी नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसको अदालती तहवील में भेज दिया। इस शख्स पर बेशुमार अपराध ने हरासानी, ब्लैकमेलिंग, डराने धमकाने और बदकलामी करने के इल्जाम आयद किए हैं। इस पर अब तक 4 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, जिनमें ताज़ा मुकदमा त्रिटाउन पुलिस स्टेशन में एडला अशोक की शिकायत पर दर्ज किया गया। अशोक यसी माला तबके से ताल्लुक रखता है और पेशे के एतबार से मजदूर है। वो चमगली के रहने वाले अशोक ने इल्जाम आयद किया कि वो काम की गर्ज से गुरबा आबादी में वाके अजय कुमार मुधानी के रैक्स और शेड के गोदाम पर गया। इसने 6 सितंबर को त्रिटाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई के काम के दौरान किसी मसले पर अजय कुमार मिधानी ने इसके साथ बदकलामी की और इसकी जात पर गाली दी। अशोक की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। इससे कबल अजय कुमार पर 4 टाउन और 1 टाउन पुलिस स्टेशन में भी मुकदमा दर्ज हैं। एसीपी निजामबाद ए वेंकटेश्वरलू ने इस केस की मुकम्मल तफसीलात से मीडिया को आगाह किया और बताया कि पुलिस अजय कुमार मुदानी पर पीडी एक्ट भी आयद करने पर गौर कर रही है। अजय मुदानी तंडे पेरु विजय कुमार मुदानी इन 47 సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఇన మార్వాడి వృత్తి ఇయని ఈ రోజు క్రైమ్ నంబర్ 197/22 లో అండర్ సెక్షన్ 323 సెక్షన్ 3 క్లాస్ 1 క్లాస్ ఎస్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిఓ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కింద ఇయని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది 12:30 ఈయన చాలామందికి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ గతంలో ఈ మొదాని ఫ్యామిలీ అనేది చాలా రిచ్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ నిజామాబాద్ నాందేవాడలో వాళ్ళ తాతలు ఈ బజరంగ్ దాల్ మొదాని తర్వాత ఇలా తండ్రి తాత మొదాని వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పూర్వీకులంతా కూడా చాలామందికి నాందేవాడలో చాలామందికి అనుకున్న ఇండస్ట్రీలో లేకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి భూములన్నీ కూడా అమ్మడం జరిగింది ప్లాట్స్ హౌస్ ప్లాట్స్ అమ్మడం జరిగింది హౌస్ ప్లాట్స్ అమ్మే కాలంలో అప్పుడు పాతకాలంలో రిజిస్ట్రేషన్స్ మొటేషన్స్ కానీ తర్వాత మున్సిపాలిటీలో కూడా కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల అది అదును చూసి ఈ మొదాని ఈ అజయ్ మొదాని ఏం చేస్తున్నాడంటే అజయ్ కుమార్ మొదాని వాళ్ళ యొక్క తప్పుడు డాక్యుమెంట్లని వాళ్ళన్నీ కూడా తప్పుడు లెక్కలని వాళ్ళంతా కూడా మా తాతల భూమి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి వాళ్ళందరి మీద ప్రెషర్ పెట్టడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నా ఇల్లు రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా అట్లీస్ట్ ఆ వాడకట్లో రోడ్ వేద్దామన్నా కూడా ఈయన మున్సిపల్ శాఖలకు తర్వాత అన్నిటికీ కాంప్లైంట్ పెట్టుకుంటా పైదాకా కాంప్లైంట్ పెట్టుకుంటా డెవలప్మెంట్ కానీయట్లేదు. తర్వాత రెండోది అక్కడున్న దాదాపు 200 కుటుంబాలకి వాళ్ళ ఇల్లు కట్టుకోలేదు, వాళ్ళ భూములు మయ్యాయని చెప్పేసి ఆ ప్లాట్స్ మయ్యాయని చెప్పి ఈయన అడ్డమైన ఫిక్షన్లు ఎక్కడెక్కడో పెట్టుకుంటా ప్రజలందరినీ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు. పలు వరకు జరగకుండా కంప్లైంట్లు వేసి వివిధ సమస్యలకు గురి చేస్తున్న అజయ్ మోదాని అనే క్యాండిడేట్ పైన ఈరోజు బాధితులు అందరం కలిసి మన పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మన ఏసీపీ సార్కి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈరోజు అందరికీ జరిగిన అన్యాయాన్ని వివరించడానికి ఇక్కడికి మనం ఏసీపీ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది.
అంటే ఏమేమి జరిగినాయి ఏమేమి చేసిండు? ఒకటి రెండు లేవన్న, ఇక్కడ చాలా మట్టుకు సుమారు ఒక 100 నుంచి 200 మంది బాధితులు ఉన్నారు. ఇక అందరు కలిసి ఈరోజు ఫిర్యాదు చేయడానికి ఇక్కడికి ఏసీపీ సార్ ఆఫీస్కి వచ్చినాము. ఇండివిజువల్గా ఎవరు हैदराबाद दक्कन के हिंदुस्तान में लाख के 75 साल मुकम्मिल, निजामबाद बोधन बांसवाड़ा और भैंसा में तिरंगा रैलियां, जैसा हुकूमत ने 3 रोजा जश्न का ऐलान किया था, यह ना इसी जीवन का हिस्सा है. होटल में मौजूद अपने नामों को आधार कार्ड से मुंसलिक कर ले. सदर जिला जमीत उलमा हाफिज मोहम्मद लहीन खान की दर्दमंदाना अपील. उन्होंने कहा कि मुनाफिरत और साजिशों के इस दौर में वोट हमारा अहम हथियार है. मुझे ईडी का तार कोई नोटिस हासिल नहीं हुआ है. मीडिया का प्रोपेगंडा झूठा और बुनियाद है. एमएलसी के कविता की ट्वीट के जरिए वजाहत. उन्होंने बताया कि दिल्ली शराब मामले में नोटिस का मीडिया झूठा प्रोपेगंडा कर रहा है. रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने बीमार रसूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और सेक्रेटरियट की नौ तामीर शुदा इमारतों को इनके नाम से मौसूम कर दिया. बीजेपी मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट को इनके नाम से मौसूम करे एमएलसी के कविता का मुतालबा. खबरें इतनी, नई खबरों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़.